यहाँ क्वेश्चन है बाय स्प्लिटिंग इन टू प्राइम फैक्टर्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट। आप देखिए इसमें इसका प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है। मैं इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ कि आपको अगर आप भूल गए हो प्राइम फैक्टर्स क्या है, या आपको प्राइम पता कुछ भी आप भूल जाते हो, या आपको बेसिक्स में कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो आप मेरे वीडियोस खोल करके उसको देख सकते हैं। आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आपको लास्ट वीडियो के एंड में भी स्क्रीन में मिल जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन है 194481, इसको हमको प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। तो हम लोग वही मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टर्स का। तो इसको पहले लिखते हैं हम लोग नंबर को 194481 और इसका सारा प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आप इसको डिजिट सम कर दीजिए, पूरे को सम करेंगे तो इसका वैल्यू 27 होगा। 27 3 से डिविजिबल होता है, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। आप हमेशा याद रखिए यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही यूज़ करना है और 3 एक प्राइम नंबर है। तो 3 6 या 18 होगा, यहाँ 1 बचता है तो 14 हुआ। 3 4 या 12, 2 बचता है, 3 8 या 24, और अब 8 है, 3 2 या 6, एंड अब 21 है, 3 7 या 21। अब नेक्स्ट में भी इसको हम लोग डिजिट सम करके देखते हैं कि ये 3 से फिर से डिवाइड होता है, तो 3 से हम लोग फिर से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एंड यहाँ 2 नहीं होगा तो एक ज़ीरो लगाएंगे, एंड 27, 3 9 जा 27। इस तरह से इस पूरे को कंप्लीट कर लेंगे और क्या क्या फैक्टर्स आ रहा है देखते जाएंगे। यहाँ 2 और 1 3, 6 3 9 एंड 9 18, अब फिर से 3 से होगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यहाँ नहीं होगा, 3 3 जा 9, अभी फिर 3 से हो रहा है, तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 7 3 जा 21, देन बचा यहाँ पे 30, 7 4 जा 28, बिकॉज 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, देन बचा 21, तो 7 3 सा अगेन 21, अभी ये फिर से 7 से हो रहा है, तो 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, एंड देन ये अगेन 7 से हो रहा है, 7 7 जा 49। तो ये जितने फैक्टर्स आए हैं ये सारा इस नंबर को हम लोग इसके फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। 194481 इज इक्वल टू, वी विल राइट ऑल द फैक्टर्स, एंड यहाँ पे ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अगेन 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। और अब हम लोग दो में से एक रूट ओवर के बाहर निकालने के लिए, ये तो रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकालने के लिए हम लोग इसमें से एक एक ले लेंगे एक पेयर में से, तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 में से 7 इंटू 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं टोटल और उसका आंसर निकाल लेते हैं। 7 3 ज 21, 21 3 ज 21 3 ज 63, 63 इंटू 7 कर लेते हैं, 63 इंटू 7, फोर फोर्टी वन, तो आंसर विल बी 441। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2592 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वी ऑलरेडी नो, हम लोग को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर में सारा जो है पेयर में होना चाहिए फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा पेयर जो है फैक्टर पेयर में नहीं है, उससे उतना को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बचा 19 हुआ, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, तो हुआ 2 9 ज़ा 18, फिर से 1 बचा 2 6 ज़ा 12, अभी फिर से 2 से डिविजिबल है,
टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फोर जा एट, टू एट जा सिक्सटीन। इस तरह से इसका पूरा फैक्टर्स हम लोग निकालते जाएंगे, जितने फैक्टर्स आएंगे और देखेंगे कौन सा मिसिंग है। टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्सटीन, टू वन जा टू। यहाँ थ्री से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्री से, बट नाइन से भी कर सकते हैं। हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और नाइन नाइन जा टू आ जा रहा है, टू पेयर आ जा रहा है, नाइन नाइन जा 81। अब इस नंबर को हम लोग इसके फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। पूरा कितना होता है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर इंटू टू इंटू नाइन इंटू नाइन। तो यहाँ जो पेयर देखिए, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये जो है इसका पेयर मिसिंग है, मतलब इसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो हम अगर इंटू टू कर दें, इसमें इंटू टू कर दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ जिससे मल्टीप्लाई करना है, टू हुआ इसका आंसर। इस क्वेश्चन में भी आपको इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो आप एज एन एक्सरसाइज इसको कीजिए। जो भी फैक्टर्स आएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो आपको देखना है इसमें कि कौन सा पेयर मिसिंग है। ये सारे पेयर्स में है, ये मिसिंग है, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। और ये लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एंड यहाँ पे हमको नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए आपका नंबर फैक्टर्स जो आता है, ये भी फैक्टर्स निकालना होगा पहले। इसमें आपको आता है इस तरह से, तो आप देखिए ये सारे पेयर्स में है और एक एक्स्ट्रा पेयर ये है। तो मान लीजिए कि इस एक्स्ट्रा पेयर को हम हटा देते हैं, तो कैसे हटाएंगे, बाई अगर थ्री करेंगे तो थ्री थ्री कट जाएगा, तो थ्री थ्री कट जाएगा, तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इस नंबर के फैक्टर्स आते हैं 10, 3, 6, 8। इसके फैक्टर्स आते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 2 into 9, जो कि 3 into 3 है, into 9, ये भी 3 into 3 है। आपको प्राइम्स में लिखना है तो 3 into 3 लिखिएगा। तो इसमें ये वाला हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर, एंड ये हो गया एक पेयर, एंड ये हो गया एक पेयर, मीन्स दिस वन इज़ मिसिंग। तो ये हम लोग दी स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम लोग 10368 को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2 है, 2 इज़ दी आंसर। और अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में हम लोग ईच पेयर में से जो रिजल्टिंग नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो रिजल्टिंग नंबर में ये 2 नहीं रहेगा, तो हमारा इसमें से एक 2 आएगा, इसमें से एक 2 आएगा, इसमें से एक 2 आएगा, एंड यहाँ 9 और 9 में से एक 9 आएगा। आप 3 इंटू 3 भी ले सकते हैं, 2 3 में से एक एक 3 करके, तो इसका आंसर हो जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 8 9 ज़ा 72। आपने डेसिमल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में जान लीजिए, उसको इजी मेथड्स होते हैं कुछ जिससे उसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हमको स्क्वायर रूट निकालना है इस पहले वाले नंबर का, जो कि है 0.1764, 0.1764, इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले डेसिमल को हटा देंगे। डेसिमल हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस मेथड का यूज़ करते हैं, 1764 बाई करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे,
तो यहाँ वन है ऑलरेडी, तो पॉइंट 1, 2, 3, 4 जीरोज़ लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब ये दोनों हट जाएगा और इसमें से बचेगा ये आपका रूट के अंदर है 1764/1 एंड ये 4 0, 2, 3, 4, ये रूट के अंदर है। अब हमें इसका तो रूट मिल जाएगा, 100 × 100 है तो ये तो बाहर आ जाएगा 100, और 1764 का हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे जिससे कि हमारा पता चल जाएगा कि कितना इसमें से बाहर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं 1764 का, यूज़ करते हैं सिंपल मेथड्स, वही प्राइम फैक्टर 2 8 जस 16, 2 8 जस 16 एंड 4 है, 2 2 जो 4 एंड देन अगेन 2 4 जो 8, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2। यहाँ पे देखिए 4 4 8 एंड 1 3 से हो जाएगा, 3 1 जो 3 14 हुआ, 3 4 जो 12, 3 7 जो 21। अभी फिर 3 से हो जाएगा, 4 n 1 5 5 हो गया, 7 5 12, 3 से फिर हो जाएगा, 3 1 जो 3 14 हुआ, 3 4 जो 12 2 बचा, 3 7 जो 21। अभी फिर से 3 से कर रहे हैं, 3 4 जो 12 27 हो गया, 3 9 जो 27 एंड 7 7 जो 49 होता है, 7 7 जो 49। अब ये हमारा हो गया सारा फैक्टर्स। तो इसमें से देखिए सब पेयर्स में है, तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 2 आ जाएगा, 1 2 और 1 3 आ जाएगा इंटू 3 और 1 7 आ जाएगा इंटू 7, और यहाँ डिवाइडेड बाई 100 × 100 है तो 100 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो 3 2 जो 5 एंड 7 5 जो 35, 35/100, ये 5 से कट हो रहा दोनों ऊपर नीचे, 5 7 जो 35 एंड 5 2 जो 10 0 इज़ इक्वल टू आंसर हुआ 7/20।